आज हम खीर बनाने वाले हैं, जो जिसका स्वाद रबड़ी जैसा होता है। इसे छोटे बच्चे और बड़े बड़े ही खुश होकर खाते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते। सबसे पहले हमने यहाँ पर आधी कटोरी चावल लिए हैं। 3 से 4 बार हमें इसे धो लिया है और 5 से 10 मिनट के लिए अब हम इन्हें पानी में भिगो देंगे। चलिए, इतने हम गैस ऑन कर लेते हैं। गैस पर हमने 1 से 1.5 किलो दूध को उबाल लेंगे। हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है ताकि हमारा दूध अच्छे से गर्म हो जाए। बीच बीच में हम दूध को हिलाते रहेंगे ताकि इसमें मलाई ना चिपके। जैसे ही दूध उबलने लगेगा हम गैस को मीडियम कर देंगे और हम इसे हम धीमी आंच पर ही पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी गैस धीमी है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। हम 2 से 3 इलायची को कूट लेंगे। इलायची पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। हमने इलायची पाउडर डाल दिया और इसे हम दूध में मिक्स करते हुए हिलाते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि दूध और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और अब ये रबड़ी जैसे धीरे धीरे दिखने लग गया है। पकते पकते दूध हमारा आधा रह गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, कम मीठा या ज़्यादा मीठा, जैसा आपको पसंद है। अभी हम इसे 5 से 7 मिनट और पकाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलिए, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। सजावट के लिए कुछ ड्राई फ्रूट हम डाल सकते हैं, जो हमारे पास हो हम वही डाल सकते हैं। मैंने इसमें कुछ गोला डाला है, कुछ काजू बादाम कूट कर डाले हैं और हमने इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी डाला है। आप इसे ठंडा या गर्म दोनों तरह से खा सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखी हुई थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है।